कि हमने बहुत लेट सूचित किया था, उसके बावजूद भी आए। पत्रकार वार्ता का मुख्य कारण ये है कि रीवा कॉरपोरेशन एरिया कबड्डी संघ, जो हमारा लोकल संघ है, वो राज्य स्तरीय कबड्डी करवा रहा है और राज्य स्तरीय कबड्डी में ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के सभी जिलों से जो है खिलाड़ी आ रहे हैं और लगभग 80 से 100 के बीच जो है वो ऑफिसर्स भी आएंगे जो इस पूरे कबड्डी को आयोजन में हमारी मदद करेंगे। उसमें एम्पायर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं और ये 14 तारीख से शुरू होगा, 14 तारीख से शुरू होगा। पर चूँकि 14 तारीख को भी काफ़ी लोग खिलाड़ी आएंगे तो 14 तारीख को कुछ मैच रखे गए हैं, पर ऑफिशियल उद्घाटन इसका 15 मार्च को है, 15 अप्रैल को है और 17 अप्रैल को इसका समापन है। तो आप सभी से निवेदन है कि उस समय आप लोग भी आए, है ना, बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। आप लोगों के आने से हमको पब्लिसिटी भी मिलेगी, जिससे हो सकता है कि दूर दराज से गांव से भी जो बच्चे कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं वो आए मैच के दौरान कबड्डी देखें। और काफ़ी बच्चे हमारे बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि स्टेट भी खेलने गए हैं। इससे ज़्यादा जानकारी आपको दर्शनव देंगी जो कि पूरे होल से होल हैं और इनकी पूरी टीम ये बैठी हुई है। ये सारे लोग पिछले 15-20 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं और धन्यवाद करेंगे प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, ADM साहब का, नगर निगम कमिश्नर का, तहसीलदार साहब का, SDM का, इन्हों का बहुत कोऑपरेशन मिला। अन्यथा 800 लोगों को एक साथ रुकवाना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। थोड़ा हम लोग डर भी गए थे पर लोकल प्रशासन ने बहुत खुले दिल से हमारा साथ दिया और खुले दिल से हमको मदद की है।